इन लोगों ने मुझे एक फल की तरह पैक कर दिया है। यहाँ तो बहुत फिसलन है भाई। यहाँ से पीसने वाला पत्थर रस बाहर निकाल रहा है, जिसे रेशे दोबारा सोख लेते हैं और इस सब को पल्प में बदल देते हैं। ये कहीं मुझे भी फल समझकर कुचल ना दे। यहाँ पर हो रहे काम में गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आपके आसपास एक 1800 किलो का पत्थर मंडरा रहा होता है और वो इंतजार में रहता है कि आपसे कोई गलती हो और वो आपको कुचल दे। मुझे लगता है मुझे पतली गली से निकल लेना चाहिए। अच्छी तरह कुचले जाने के बाद सारा रेशा और रस फर्मेंटेशन टैंक्स में डाला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारा रेशा जो है ऊपर आ गया है और रस जो है नीचे फर्मेंट हो रहा है ना। हाँ, ऐसा होने से ही अगावे फल का रस अच्छी तरह से फर्मेंट हो पाएगा। इसकी गंध भी काफी अलग है और इसमें एक खट्टापन सा है। काफी तेज है, इसमें एसिड भी ज्यादा है। इसी दौरान आधुनिक चक्की से निकला रस एक अलग फर्मेंटेशन टैंक में फर्मेंट हो रहा है। असली मजा तो यहीं से आना शुरू होता है। आप इसमें हो रही हरकत देख सकते हैं, इसमें बुलबुले बन रहे हैं और ये फर्मेंट हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही। आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें फर्मेंटेशन जोरों पर है। इसका रंग सही है, रंग बढ़िया है और इसमें से निकलने वाली गैस की खुशबू बिल्कुल फल जैसी है। हाँ, बिल्कुल है ना, एकदम ट्रॉपिकल फल जैसी। या ब्यूटीफुल। इसमें से स्पिरिट को अलग करने के लिए फ्रांसिस्को के वर्कर्स दोनों टैंक्स में से फर्मेंट किए गए फलों को डिस्टिल करने वाली अलग अलग टैंक्स में डाल देते हैं और थोड़ी ही देर में दो सिल्वर टकीलास निकल कर बाहर आती है, जिनमें 55% अल्कोहल होता है। क्या आप हाई प्रूफ टकीला चखना चाहेंगे? अब आप कह रहे हैं तो कर ही लेता हूँ। देखिए और पूछ 110 प्रूफ। इतनी स्ट्रॉन्ग टकीला हमें दुकानों में तो नहीं मिलती होगी, है ना? नहीं, और ना ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, नहीं करूंगा। क्या आप भी इसे मेरे साथ चखेंगे? हाँ जरूर। ओके, तो चखते हैं। चीयर्स। वेल, ये तजुर्बा आपको याद रहेगा। हाँ। काफी तेज है ना ये? वाओ, पर अंदर आराम से गई होगी। हाँ, बड़े आराम से, पर अब मैं इसका असर महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास कहीं अब जोर जोर से घंटियां बज रही हो। मैं एक और सिप ले सकता हूँ प्लीज? हाँ लीजिए। इस 110 प्रूफ टकीला को शुद्ध पानी और दूसरे डिस्टिलर की अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है और फिर पेट्रोन के अनोखे स्वाद के लिए मशहूर ये सिल्वर टकीला 80 प्रूफ हो जाती है। कसम से बहुत मजा आया। मैंने उस 110 प्रूफ टकीला के बस दो सिप लिए और अब मैं ऐसे मुस्कुरा रहा हूँ जैसे मुझे किसी से प्यार हो गया है। और हाँ, मेरे पूरे शरीर पर गर्मी छा गई है, पसीना आ रहा है मुझे। दावे से कह सकता हूँ ये कोई आम टकीला नहीं थी। और अब बारी है बॉटलिंग की। और इन्हें साबुन वाले पानी से तो नहीं धोया जा रहा? नहीं, टकीला को शुद्ध रखने के लिए इन बॉटल्स को धोया जाता है टकीला से। मुझे तो लगता है कि हमें अपने घरों के बर्तन भी टकीला से धोने चाहिए। क्या कहते हैं आप? ये कोई ताजुब की बात नहीं कि इस कंपनी का लोगो एक मधुमक्खी है। यहाँ हलस्को में स्थित पेट्रोन 1600 लोगों को रोजगार देता है और ये कमरा किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं है। ये बॉटल्स 60 जोड़ी हाथों से होकर बाजार पहुँचती है। ये काफी आसान काम है ना? आसान है तो आप भी ट्राई करके देख लीजिए। मैं भी करके देखूंगा। ओके। ओह, शुरुआत काफी बुरी हुई। ये मुझ पर हंस रही है, उस मास्क में छिपकर हंस रही है मुझ पर। ठीक है, फिर से शुरू करता हूं। आप मेरे सामने इतनी जल्दी मत कीजिए ना। इतनी अच्छी तरह लपेटा है कि ये बॉटल अंदर घुस ही नहीं रही। खैर, मैं ये कर पाऊं या नहीं, पर यहाँ सब मेरी कमी पूरी कर रहे हैं। अब हमारे पास दुनिया की सबसे मशहूर टकीला में से एक सिल्वर टकीला है। ओह यह, जिससे हम अपने मैक्सिकन खाने की शुरुआत करेंगे। और अब मैक्सिको को अलविदा कहते हुए मिलने चलते हैं ग्वाकामोले से।